नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, शबनम ने रख दी जेलर के सामने एक बहुत बड़ी जीत, एक बहुत इंपॉर्टेंट जीत। अगर शबनम के लिहाज से बात करें, आपको बस एक मिनट का समय लूंगा, उससे ज़्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि एक मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं कि शबनम ने जिद कौन सी रखी है जेलर के सामने। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट। शबनम ने कहा है कि फांसी भले ही मुझे दे दो, कभी भी चढ़ा दो, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा समझ लो या फिर मेरी जिद समझ लो, इसे पूरी कर दो ताकि मरने समय में मैं शांति से मर सकूँ। दोस्तों, एक बहुत बड़ी इच्छा, एक कह सकते हैं कि जिसे पूरा करना क्या जेलर के हाथ में है, क्या सरकार के हाथ में है, ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। दोस्तों, जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। साथ ही अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी से आप, जी हाँ बिल्कुल, आप एक वीडियो को जरूर लाइक कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग सिर्फ देख रहे हैं वीडियो, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको सबसे पहले हमारा चैनल पहुंचाता है। तो दोस्तों, बता दूं आपको कि शबनम ने वो कौन सी जिद रखी। दोस्तों, बता दूं आपको कि शबनम ने एक बहुत बड़ी जिद रख दी, ऐसी जिसे सरकार को पूरा करना पड़ेगा। ये आप बताइएगा कि क्या सरकार को पूरा करना चाहिए या नहीं चाहिए। अपना राय, अपना सुझाव केवल आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके लिखना। दोस्तों, बता दूं आपको कि शबनम ने जो जिद रखी है जेलर के सामने, वो ये रखी है कि ताज को विदेश भेज दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट, ताज को विदेश भेज दिया जाए। क्या लगता है आपको कि सरकार क्या बात मानेगी? अपना राय, अपना सुझाव जरूर दें हमें कमेंट बॉक्स में। और कल एक इससे भी बड़ा धमाकेदार न्यूज़ आने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।